Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine and doing well. Welcome back to my YouTube channel, Education Hub Online with ItratRasool. Today I'm going to discuss about the Unit 2 of American Literature. The course code is 9079. And the title of this unit is Introduction to the Emily Dickinson. In this chapter, we will go through from the biography of Emily Elizabeth Dickinson and the themes of Emily Dickinson's poetry. And the major theme, which is the death in the Emily Dickinson poetry. Because I couldn't stop for death, ye inki poem mein already upload kar chuki hoon. I heard a fly buzz when I died, ye bhi inki poem hai. I felt a funeral in my brain, the soul slakes her own society, I like to see it lap the mice. So one by one inki poems ko bhi discuss karenge, but let's proceed from the biography of Emily Dickinson. Emily Dickinson जो है वो एक renowned American poet हैं जिनका writing style दूसरे जो contemporary writers और poets थे ना उनसे बिल्कुल different था जो इनको दूसरों में unique साबित करता है ठीक है इनकी जो poem है because they couldn't stop for death वो एक prime example है इनके style और theme की Emily was born in 10 December 1830 Emily 10 December 1830 में पैदा हुई थी Amherst Massachusetts में ये United States है America की अर्ली एजुकेशन इन्होंने एमहर्स्ट स्कूल से ली इनके फादर जो थे एमहर्स्ट कॉलेज के ट्रस्टी भी थे उसके बाद ये माउंट होलियोक फीमेल सेमिनरी में जो है मूव कर गई थी यहाँ वहाँ पे इन्होंने एक साल गुजारा नेचर इनकी जो थी वो एंट्रोवर्ट थी ज़्यादा घुलना मिलना इनको पसंद नहीं था अकेला रहना पसंद था अकेला ही ज़्यादातर रहती थी अमेरिकन लिरिक पोएट थी फिर भी वो तनहाई पसंद थी अलग रहती थी और इनका एक ही स्टाइल था लिखने का लेकिन इस पर इनको कमांड हासिल थी इन्होंने शादी नहीं थी कि इनकी क्वाइट नेचर की वजह से बहुत ही मुश्किल से इनकी सिर्फ 10 नज़में इनकी हयात में पब्लिश हो सकी थी और इनको पहनने में सफ़ेद रंग बहुत पसंद था ये एक पढ़े लिखे घराने से और एक अमीर घराने से बिलोंग करती थी इनके जो फादर एडवर्ड डिकिंसन हैं वो एक लायर थे इन्होंने एक मरतबा जो है अपनी सर्विसेज दी थी कांग्रेस में भी और उसके बाद ये जुड़े रहे स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स के साथ भी और ये ट्रस्टी भी थे एमहर्स्ट के इनके जो ग्रैंड फादर थे वो पियोनियर थे एमहर्स्ट अकेडमी के ये एक परफेक्ट बीइंग थी ओबीडियंट और डिसिप्लिन डॉटर थी इन्होंने एमहर्स्ट एकेडमी को अटेंड किया और इनके जो टीचर्स थे वो इनको बहुत पसंद करते थे 1844 में इन्होंने अपने कज़न जो कि इनका फ्रेंड भी था उसको इन्होंने खो दिया 1855 में जो प्रिंसिपल थे एकेडमी के लियोनार्ड हेम्फ्री इनकी डेथ हो गई 18 की एज पर जब ये पहुँचे तभी इनके फादर के जो स्टूडेंट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन न्यूटन इनके साथ इनकी फ्रेंडशिप होगी जो के एक कह लें कि पर्सन है जिसने एमिली डिकिंसन को इस वे पर लाया कि वो खुद लिखना शुरू होगी उन्होंने इनको लिटरेरी कैरियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करी विलियम वर्ड्सवर्थ की और रेल्फ वाल्डो एमर्सन से इनको इंट्रोड्यूस करवाया इनको बुक्स ला के दी रीडिंग करने के लिए और उन्होंने अपने उस टाइम का पॉपुलर जो वर्क था उसमें महारत हासिल की हुई थी उन्होंने एक एक चीज़ उसकी ना अंडरस्टैंड की हुई थी 1875 के शुरुआत में उन्होंने अपनी मदर को खो दिया फिर उसके बाद उन्होंने अपने एक फेवरेट नेफ्यू को खो दिया टाइफाइड की वजह से एमिली डिकिंसन का एक भाई था एस्टिन जो कि लॉ पढ़ रहा था और उसके बाद अटर्नी बन गया इन्होंने सुजन गिलबर्ट से शादी की लवेनिया इनकी छोटी बहन थी जो जिसको इन्होंने ये बात बोली थी मरने से पहले कि मेरे जो ये लिखे हुए कलाम हैं इनको जला देना बट जो बॉक्स के अंदर बंद कुछ चंद किताबें थी चंद सफ़ात थे चंद नहीं वो बहुत सारे थे तो उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं था कहा फिर लवेनिया की ये ज़िद बन गई थी कि मैंने इनको पब्लिश करवाना है और ये इसके इंटेलेक्चुअल कंपेनियन थे थ्रू हर लाइफ ये इम्प्रेस थी रॉबर्ट से एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स की पोइट्री से जॉन कीट्स से शेक्सपियर को भी ये पढ़ती थी डिकिंसन एक प्रोलिफिक पोइट थी जो कि अपनी पोइम्स को लेटर्स में भी लिखती थी और लेटर्स अपने फ्रेंड्स के लिए लिखती थी ज़्यादातर अपने इनके फादर जो थे वो बोलते थे कि आप जो है ना पढ़ें स्कूल जाएं सीखें और जब मैं वापस आऊं तो मुझे बताएं कि आपने क्या सीखा तो ज़्यादातर ये जो है ना लेटर्स अपने फादर को भी लिखा करती थी और बड़ी उसके अंदर बड़ी शिद्दत और रोब जो है दिखाया जाता था अपनी लाइफ टाइम में तो ये ज़्यादा नहीं रिकॉग्नाइज हुई ज़्यादा नहीं जानी पहचानी गई इनका वर्क भी जो था उस टाइम पे इतना फेमस नहीं था इनको अपनी लाइफ में फेम नहीं हासिल हुआ इनका जो वर्क है वो पोस्टमसली पब्लिश हुआ 2 वॉल्यूम्स में पहला 1890 में हुआ और जो दूसरा फाइनल वर्क है वो 1955 में हुआ 1886 में इनकी डेथ होगी जब ये 55 ईयर्स की थी क्योंकि बहुत लंबे अरसे से बीमार थी डिकिंसन की जो फैमिली है उन्होंने जब देखा कि बहुत सारी पोएम्स है 40 हैंड बाउंड वॉल्यूम्स था और 1800 के करीब तमाम नज़में थी जिसको फेस्टिकल्स के नाम से जाना जाता है इनकी डेथ के बाद इनका वर्क पब्लिश करवाया डिकिंसन ने इन बुक्स को फोल्ड किया हुआ था कुछ को 5 और 6 शीट्स के साथ स्टिच किया हुआ था
1981 जब तक था जो इनका ओरिजिनल ऑर्डर था एमिली डिकिंसन की पोइम का वो अननाउन था 1981 तक. फिर एक स्कॉलर है जिनका नाम है रॉल्फ विलियम फ्रैंकलिन. उन्होंने पढ़ा फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को, देखा पेपर की कि किस तरह से ये समझ किए हुए हैं, यानी कि कैसे मार्क किया गया हुआ है. जब हम रेजर नहीं होती तो पेंसिल के साथ थोड़ी फिंगर पे थोड़ी सी साइवा लगा के रब करते हैं ना पेंसिल को, ठीक उसी तरह से समझ किया हुआ नीडल के साथ मार्क्स थे, और या फिर पंचर्स के साथ पेपर्स आपस में जुड़े हुए थे. तो उसको इन्होंने बहुत मुश्किल से समझा और करेक्ट ऑर्डर्स में पोइम को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया. उन्होंने इन क्लूज को यूज़ किया ताकि वो एक ओरिजिनल जो पैकेट है पोइम्स का एमिली डिकिंसन की, उसको लिख सके जिस तरह से वो चाहती थी या जिस तरह से उन्होंने लिखा था कि उसको पढ़ा जाए. एमिली डिकिंसन की जो पोइम्स है वो जो है पहले तो समझी जाती थी रैंडम ऑर्डर में, लेकिन फिर स्कॉलर्स ने इसको देखा कि इसके अंदर सिर्फ एक ही थीम है इसकी इस्तेमाल कलेक्शन के अंदर. उनकी जो ज़िंदगी थी वो उसके अंदर ख़राब सेहत, ज़हनी तनाव, मशक्क़त वगैरह और फेथ की सर्च में गुजर गई, जिनको बड़ा ही अकेला महसूस करवाती थी. इनकी पोइम्स जो है वो एक्सप्लोर करती हैं बड़े टॉपिक्स को जिनमें डेथ है, नेचर है और स्पिरिचुअलिटी शामिल है. एमिली डिकिंसन की जो थीम्स है जिनके ऊपर वो ज़्यादातर लिखती हैं, अब हम उनके बारे में देखते चलें तो एमिली डिकिंसन जैसे कि हमें पता है कि एक टैलेंटेड पोइट हैं जो कि बड़े बड़े टॉपिक्स पे लिखती हैं. अब नेचर कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं है. आइडेंटिटी पे इन्होंने लिखा, डेथ पे लिखा, लव पे लिखा, लाइफ का मतलब क्या है इस पर लिखा, और उन्होंने एग्जाम्पल्स कहाँ से ली, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, जैसे नेचर हो गया, रिलीजन हो गया, म्यूज़िक हो गया, ताकि वो अपने नुक्ते नज़र को पेश कर सके. डिकिंसन जो है वो क्यों फेमस है, उनका राइटिंग स्टाइल ही इतना यूनिक है जिसमें शामिल है कि ये वो वर्ड्स को यूज़ करती हैं जो ऑलमोस्ट राइम होते हैं, स्लांट राइम को भी ये यूज़ करते हैं जो कि एक क्लेवर कंपैरिजन बनाता है, और अनयूजुअल पंचुएशन को यूज़ करती हैं. शॉर्ट पोएम्स को छोटी सी लाइंस में लिख लेती हैं, जैसे कि अब हम देखेंगे कि जैसे सोल्स आपस खुद ही अपनी जो है सोसाइटी सेलेक्ट करती है. इस पोएम को जब हम देखेंगे तो वो एक चंद लाइनों पर मुश्तमिल पोएम है. इनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से भरी पड़ी थी, बहुत ही दर्द सहा है इन्होंने, जो कि इनकी पोएम्स में भी देखने को मिलता है. कि अभी हमने इनकी बायोग्राफी में डिस्कस किया ना कि डेथ हुई पहले इनकी एक कज़न जो कि इनकी फ्रेंड भी थी उसकी डेथ हो गई, फिर इनके फादर की भी डेथ हुई, नेफ्यू की भी डेथ हुई, मदर की डेथ हुई, तो ये जितनी भी डेथ्स थी ना कोई इम्पैक्ट तो उन पर रहना ही था. दैट्स वाई शी वॉज ऑब्सेस्ड विद डेथ एंड इट्स मीनिंग, जो कि इनको अफेक्ट करता है और किस तरह से उसके बाद उन्होंने दुनिया को देखना शुरू किया. इवन दो कि इन्होंने ये सवाल भी किया है, शी इवन क्वेश्चन द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी की अहमियत क्या है. अपनी उनकी जो स्ट्रगल्स हैं उसके बरअक्स डिकिंसन की जो पोइम्स है वो क्या करती हैं, आप भी इंस्पायर करती हैं एंड मूव पीपल टू दिस डे, कि इंस्पायर इस ज़ुमरे में करती हैं कि ज़िंदगी को खूबसूरती से गुजारना चाहिए. जो हम मौत से मुंह नहीं मोड़ सकते, हमारा सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, लेकिन क्या है कि जितना टाइम हमारे पास है हम उसको अच्छे से गुजार सकते हैं. अब जो थीम ऑफ डेथ है ये एक मेजर थीम है इनकी पोइम्स में, ठीक है. एमिली डिकिंसन एक प्रोमिनेंट अमेरिकन पोइट है जो हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स व्हाई हम इसको इस वक्त पढ़ रहे हैं. इन्होंने डेथ के थीम को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से एक्सप्लोर किया अपनी पोइट्री में, और जिनका पर्सपेक्टिव है डेथ पर वो डिफरेंट सेंसेस देता है हमें. इन्होंने डेथ को सच्चाई की बेस पे बयान किया अपनी राइटिंग में, कोई शुगर कोट नहीं किया. एमिली डिकिंसन की पोइट्री में बहुत ज़्यादा फोकस हमें देखने को मिलता है तो डेथ पर ही देखने को मिलता है, और ये एक वाइद पोइटस है जिसने डेथ के ऊपर इतना खूबसूरत अंदाज से लिखा. इनकी अप्रोच रियलिस्टिक रही, वो बड़े ही सोबर माइंडसेट से लिखती थी और एग्जामिन करती थी मॉर्टेलिटी को एक प्रैक्टिकल एंगल से, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया था. और अब उनकी ना डेथ के साथ दोस्ती हो गई थी, जैसे हम विकास स्टॉफर डेथ को देखते हैं इस पोइम को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो ऐसे ही दिखाई देता है कि जैसे वो अपने महबूब से बात कर रही और उनका महबूब उनके साथ लगा हुआ है, उनको लेने के लिए आया और उनकी आरामगाह पर उनको छोड़ गया. बिल्कुल ऐसी वाइब्स आती हैं. इनकी अट्रैक्शन डेथ की तरफ इस वजह से बढ़ गई क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करती थी. उन्होंने अपनी लाइफ में, मैं फिर वही बात रिपीट करूँगी, कि बहुत सी डेथ्स को फेस किया था, अपने बहुत से प्यारे खोए थे, जिसकी वजह से उनकी अट्रैक्शन डेथ की तरफ बढ़ गई थी और वो इसकी मिस्ट्री को फाइंड करना चाह रही थी. ये एक ट्रैजिक नेचर है जो कि सबूत है उनकी पोइट्री में. अब प्रीमिनेंस ऑफ डेथ की तरफ चलते हैं तो डेथ जो है एक परमानेंट और पावरफुल थीम है इनकी पोइट्री का, जो कि अनअफेक्टेड है, जिसको कोई अफेक्ट नहीं कर सकता बाय डिके और डिस्ट्रैक्शन. ये एक सेंट्रल थीम है एमिली डिकिंसन का, दैट्स वाई हम इस वक्त इसको डिटेल में ही देख रहे हैं.
डेथलेसनेस एंड द डिविनिटी. डिकिंसन की जो पोइट्री है वो सपोर्ट करती है इस आइडिया को डेथलेसनेस के, जो हाईलाइट करता है इमॉर्टैलिटी को. इनका मानना था कि मौत के बाद भी इंसान मरता नहीं है, और ये क्योंकि क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती थी तो बिलीव करती थी गॉड में. एज ऑल ह्यूमन क्रिएशंस एंड किंगडम्स इवेंचुअली फेड अवे एक्सेप्ट फॉर डेथ, कि हर बादशाह है चाहे और चाहे गरीब ले लो, मौत का मजा सबने चखना है, मौत को नहीं कोई हरा सकता. नॉन सेंटिमेंटलाइजेशन ऑफ डेथ. डिकिंसन ने इस चीज़ का तस्वीर किया कि जो डेथ है वो एक रियलिस्टिक चीज़ है और उस पर हम सबको यकीन रखना चाहिए विदाउट शुगर कोटिंग. उन्होंने सेंटिमेंटलाइजेशन के बगैर, यानी कि उन्होंने सच्चाई की बेस पर बात की है और कोई रोमांटिसाइज नहीं किया इसको. डेथ को उन्होंने एक अनडिस्टॉर्टेड और रियलिस्टिक लाइट में प्रेजेंट किया अपनी राइटिंग में. इसके अंदर कोई फॉल्स ग्लोरिफिकेशन नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है. एमिली डिकिंसन की जो एक्सप्लोरेशन है डेथ की उनकी पोइट्री में, वो ऑफर करती है कि हम उसको साफ नज़रिए से देखें, जो कि एक प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन है इंसान की कंडीशन पर. उनकी जो पोएम है वो रिजोनेट करती है, एक डीप सेंस है जिसमें हम ये चीज़ सीखते हैं कि इंसान भाग नहीं सकता मौत से. मौत जो है एक ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है. और ये जो इनकी वे ऑफ राइटिंग था, जो इन्होंने थीम चुना जिस पर वो लिखती गई, इसी ने इनको एक यूनिक पर्सन बना दिया, मेकिंग हर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस ऑन दिस यूनिवर्सल थीम इन अमेरिकन लिटरेचर. ये वाहिद एक पोइट्रेस थी जिन्होंने डेथ का थीम चुना, और अमेरिकन लिटरेचर में हम सिर्फ इन्हीं को ही पाते हैं जो डेथ के बारे में बात करती हैं. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में. आई ऑलरेडी अपलोडेड द बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ, जैसे मैंने पहले बताया, तो इसके बाद आपने उसी लेक्चर को सुनना है. देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पोएम. थैंक यू.